कैबिनेट मंत्री कमल अख्तर के कैंप कार्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं द्वारा कपूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई गई धूमधाम से। बृहस्पतिवार को नगर के मोहल्ला होलेवाला में स्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री कमल अख्तर के कैंप कार्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं द्वारा कपूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। बैठक में भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने धूमधाम के साथ जयंती मनाई। बैठक के दौरान कपूरी ठाकुर जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। बताते हैं 27 जनवरी को सपा कार्यकर्ताओं द्वारा तहसील स्तर पर किसानों की समस्याओं को लेकर तहसील में धरना दिया जाएगा, जिसमें भारी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना है, जो किसानों की समस्याएं रखेंगे, जिससे किसान काफी परेशान है। जब हमारे संवाददाता ने पूर्व कैबिनेट मंत्री कमल अख्तर से वार्ता की तो उन्होंने बताया, पुरयोद्धा कर्पूरी ठाकुर समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, आज जिनकी जयंती है, आज हम लोगों ने उनकी जयंती मनाई और सभी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करी। हम लोगों का यहाँ पर आज सब लोगों ने संकल्प लिया कि हम समाजवादी पार्टी के नेता कपूरी ठाकुर के बताए हुए रास्ते पर चलकर समाजवादी पार्टी और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। दूसरा, इसके साथ साथ अभी 27 तारीख को तहसील स्तर पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार बनी है, जैसे सरकार बनी है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, किसानों की चाहे वो आलू की फसल हो, चाहे गन्ने की फसल हो, चाहे धान की फसल हो, पूरी किसानों की लूट मची हुई है। आज उनकी लूट के खिलाफ किसान मजबूर है अपना आलू सड़कों पर फेंकने के लिए। लोगों के गन्ने की हालत ये है कि लोगों के सट्टा होने के बावजूद उनको गन्ने की पर्ची नहीं मिल रही, लोग मजबूर हैं अपना गन्ना कोल्हुओं पे बेचने के लिए या दलालों को बेचने के लिए, धान की खरीद नहीं हो रही। इन सब के खिलाफ 27 तारीख को हम लोग एक बड़ा प्रदर्शन तहसील के ऊपर करेंगे। इस संबंध में कपूरी ठाकुर जी की जयंती के संबंध में और इस संबंध में हम लोगों ने आज मीटिंग आयोजित की है और कपूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और एक बहुत शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 27 तारीख को समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे और इस विधानसभा क्षेत्र में हसनपुर की तहसील के ऊपर धरना हम लोग लगाएंगे।